नमस्कार, मैं हूँ जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल, आपकी रोशन सोढ़ी तारक मेहता का उल्टा चश्मा से। आप सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। बहुत ही रंग बिरंगी होली बीते आपकी। सेफ कलर से खेलिए और पानी कम यूज़ करिए, हो सके तो ना यूज़ करिए। एंड कोई भी किसी को नुकसान देने वाला कोई भी ऐसे केमिकल्स नहीं यूज़ करिए। हैप्पी होली। एंड आज मैं आपको होली पे एक चीज़ सिखाने वाली हूँ जो बच्चों को तो बहुत मज़ा आएगा करने में। एक कैप बनाना सिखाने वाली हूँ जो पहन के होली में आप मस्त इन्जॉय कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, रेन डांस कर सकते हैं। और आज मैं एक कैप बनाने वाली हूँ मेरी बेटी लेकिशा के लिए। हैप्पी होली। ये है मेरी बेटी लेकिशा, बोलो हैप्पी होली। सो इसके लिए बना रही हूँ मैं एक कैप। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैप कैसे बनाते हैं। ओके, चलो अपन साथ में बनाएंगे। हेल्प करोगी कि नहीं मम्मा की? पक्का ना? स्कूल के क्राफ्ट वर्क में मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, अभी इसमें तुम मेरी हेल्प करो। चलो, तो सबसे पहले हम उसका बेस बनाएंगे, ऐसे जो राउंड होता है ना वो। तो इसके लिए हम हार्डबोर्ड पेपर को ऐसे, देखिए इसको मैंने मोड़ा हुआ है ऐसे, अभी मैं इसको यहाँ से काटूंगी। एक्स्ट्रा काट देंगे हम। लेकिशा, विल यू स्टेपल इट फॉर मी? यस। एवन लेट मी जस्ट ट्राई इट वन मोर टाइम। परफेक्ट है? या। लेकिशा, प्लीज स्टेपल इट फ्रॉम दिस साइड। लाइक दिस। स्टेपल इट। जोर से। यस। एक और। वेरी गुड। ऐसे घुमा के यहाँ से भी करेंगे। वन एंड टू। ओके। सो ये बन गया है हमारा बेस। अभी हम इस पे पेपर लगाएंगे, ये वाला। अच्छा, उसका फेवरेट कलर है पिंक, तो हम उस पिंक लगाएंगे उसके लिए। ओके, तो अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? हेड पे नहीं, यहाँ होल्ड करो, फिर मैं कैसे बनाऊंगी? इतनी जल्दी है तुमको पहनने की? तो अभी हम देखेंगे इसको स्टेपल कैसे करते हैं। तो वील जस्ट कीप इट लाइक दिस। वेयर इज द स्टेपलर? ओके, यू जस्ट होल्ड दिस, आई विल स्टेपल इट। ओके, यू होल्ड दिस। ऐसे एक मिनट अपन ऐसे दिखाएंगे, तो सब बनाएंगे ना घर में ही। पकड़ो, होल्ड करो, एक इधर करते हैं एंड एक इधर करते हैं। ऐसे ही आगे स्टेपल करते जाएंगे, ठीक है? कि वो निकले ना। होल्ड दिस लेकिशा। यस, थैंक यू। सेफ साइड पे हम लोग दो दो स्टेपल कर रहे हैं, सो निकले नहीं। तो ये देखिए, हाँ, ये हमारा ऐसे कैप बन गया। इसको हम पहले इसको पहना के देखते हैं। वाओ, ये तो शेफ कैप है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको थोड़ा सा हम और कुछ कर सकते हैं। क्या करेंगे देखते हैं। सी, इसको हम थोड़ा सा ऐसे चुन्नट बना के ऐसे थोड़ा सा एक डिज़ाइन, जैसे गिफ्ट रैप करते हैं ना, हम अच्छी सी गिफ्ट रैप वाली कैप कर देते हैं। ये स्टेपल कर दिया। ओके, बस सेफ साइड पे हम इसको सेलो टेप लगाएंगे, क्योंकि खेलते खेलते डांस करते करते निकल गया। तो लेकिन सीजर एक्स्ट्रा पोर्शन है, इसको हम लोग काट देते हैं एक्स्ट्रा पोर्शन जो है, क्योंकि बहुत लंबा लगेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। थोड़ा सा मेरे ख्याल से इतना चाहिए। पकड़ो सारा। वाओ,
ऐसे लगेगा लेकिशा को गिफ्ट रैप करके दे रहे हैं कहीं. सी इज दिस नाइस. एक यहाँ पर स्टेपलर लगाना. रुको रुको रुको. वेट. लेकिशा आर यू रेडी टू वेयर द कैप? लुक दे. Wow, Nikisha, it's looking so nice. Seriously. चलो अभी मम्मा ने आपके लिए बनाया. अभी मम्मा के लिए बनाना चाहोगे? ये मेरा मुझे येलो कलर का चाहिए. मेरा मैचिंग. आप मेरे लिए बनाओगे ना? बना पाओगी पक्का? ओके फिर हम दोनों साथ में पहनेंगे. ओके चलो. What will you do? चलो आप बैठो. आप बताओ क्या करना है. नापोगी? ओके लेट्स सी. मेजर करो. कितना है देखो. ओके सो थोड़ा सा बेबी एक मिनट छोड़ो. हाँ इतना ठीक है. यहाँ तक करेंगे. यहाँ तक करो. अभी इसको पहले काट दो. यहाँ से कट करो. बोलो क्या करना है. ये स्टेपल. ये 1 2 स्टेपल. अभी नेक्स्ट स्टेप. वाओ परफेक्ट है. ओके चलो अभी इसमें पेपर कैसे लगाएंगे बताओ. कितना याद है तुमको? उसको पहले थोड़ा सा अंदर लो. पहले अंदर लो. हाँ अभी करो. नीचे थोड़ा नीचे. सेलोटेप को क्या करना है? चिपकाना है. ओके नाउ टेक दैट सिजर. यू हैव टू टेल एवरीथिंग. कट करना है. संभाल के कागज नहीं कटना चाहिए. अभी ये लंबा है इसको थोड़ा काट दे अपन. फिर अपना सेम लंबा रहेगा. एक्स्ट्रा काटना है. एक मिनट. हाँ थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर थोड़ा ऊपर. हाँ इतना काटो. देखिए कैसे लग रहे हैं हम दोनों. ऐसे हम दोनों सेम कैप पहन के होली खेलते हुए. तो देखा आपने कितने मस्त तरीके से हमने गिन के 5 मिनट में इतनी सुंदर टोपी बना दी है ना. इसको आप अलग अलग कलर्स में बना सकते हैं और इसका कॉस्ट मुझे नहीं लगता 20 रुपये से ज़्यादा है. बिल्कुल किफ़ायती. आप इसको घर में बना सकते हैं. अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं. यू नो बाहर जाके वो 100-150-200 रुपये की टोपी लेने से अच्छा अपने बच्चे को अपने फ्रेंड्स को आप अपने हाथ से टोपी बना के पहनाइए. अरे टोपी पहनाना मिल रहा है यार. टोपी पहनाओ और अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ का कितना अलग ही मज़ा है. नहीं बाहर से तो कोई भी खरीद सकता है लेकिन अपने हाथ से बनाने का अलग ही मज़ा है. तो ऐसा आप करके देखिए और ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा. होली में हमारे मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ तो वहाँ तो बहुत पागलपन की होली खेली जाती थी. मतलब पूरा एकदम ऊपर से नीचे तक नहला दे देते और हर एक घर में पूरी टोली घुस के सबको निकालती थी. मुझे याद है मैं जब भी नहीं खेलती थी तो अंदर घुस के पूरी आंटियाँ सब आके सब फ्रेंड्स लोग आके खींच के ले जाती थी. काला पीला सिल्वर कलर अंडा फोड़ना सर पे ऐसा सब बहुत सारी चीज़ें होती थी. पता तुमको अंडा भी फोड़ते थे ऐसे. एंड बहुत मज़ा आता था और बहुत डांस करते थे. और फिर 3-4 बजे के बाद जो सन्नाटा रहता था
रात तक कोई नहीं निकल रहा, वो अलग एक मज़ा था। एंड वो तो वहाँ जबलपुर की होली हुई, और अभी यहाँ मुंबई की हमारी सोसाइटी में जो होली होती है, रेन डांस होता है, खाना वाना होता है, मस्ती होती है। अभी तो अब तो जो होली होती है इनके हिसाब से होती है। इसको होली सबसे फेवरेट त्यौहार है। तुम बताओ कि क्या करती हो होली में? वाटर बलून यूज़ करती हूँ, और मैं पिचकारी यूज़ करती हूँ। और कलर? और कलर्स। और मम्मा को कलर लगाती हो ना जबरदस्ती आके? हाँ। और टब में, एक नीचे टब रखते हैं बहुत बड़ा सा, वो टब में क्या करती हो? नहाती हूँ। तो बहुत मज़ा आता है होली का, तो मतलब पूरे साल। मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट त्यौहार है, मेरा भी फेवरेट त्यौहार है, बहुत मज़ा करते हैं। आप लोग भी खूब होली को एंजॉय करिए और सेफ होली खेलिए। कोई भी बुरी हरकत ना हो ऐसा ध्यान रखिए, आजू बाजू सबको ध्यान रखिए कि कोई भी कुछ यू नो गलत चीज़ ना हो, और बस एंजॉय करिए। खुशी का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, आप भी इंजॉय करिए, सबको इंजॉय करने दीजिए। थैंक यू, हैप्पी होली। हैप्पी होली। तारक मेहता का अभी तक मुझे मालूम नहीं, क्योंकि तारक मेहता का अभी तक शूट ही नहीं हुआ है होली का, बट हाँ होली इस बार तारक मेहता में कुछ अच्छा होने वाला है इतना मुझे मालूम है। तो जैसे ही होगा होली का तो फिर पता चल ही जाएगा। हर बार तारक मेहता में तो हर त्यौहार इतने ज़ोरों शोरों से होते हैं, और एक्चुअली सही मायने में कहूँ तो तारक मेहता में जो होली हो जाती है मेरी, क्योंकि वहाँ पर होली का जलाने वाला भी होता है प्लस होली खेलने वाला भी होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ आके मुझे लगता है मैं अभी तो खेल लिया यार, हो गया। मतलब अभी सारे त्यौहार तारक मेहता में ही हो जाते हैं, तो पर्सनली ना कुछ ऐसा लगता है कि चलो ठीक है अभी जाने दो, बट स्टिल इट्स बिग फन इन तारक मेहता में जो भी हम त्यौहार मनाते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हाँ बहुत लोग यू नो कलर्स से एलर्जिक होते हैं, हमारे ही सीरियल में एक दो जन है जो कलर से बहुत एलर्जिक हैं, और भी जनरली यू नो कोई किसी का क्यों फेस बिगाड़ना, किसी के क्यों बाल बिगाड़ना, इतना हेल्थ को ख़राब होता है। ऐसी हम खाने में भी यू नो नॉर्मल चीज़ों में, अब ऑर्गेनिक फूड पे आ गया तो व्हाई डोंट वी स्विच टू ऑर्गेनिक कलर्स। तो अगर वो केमिकल्स और यू नो सिल्वर और गोल्डन ऐसे कलर्स की जगह हम ऑर्गेनिक कलर यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा सबके हेल्थ के लिए, सबकी स्किन के लिए, क्योंकि उसके बाद वो स्किन फट जाती है, जलने लगती है, रैशेज हो जाते हैं। और ब्यूटी पार्लर वालों को तो बहुत फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर उन लोग का जाके यू नो बहुत ट्रीटमेंट होता है, बट इससे अच्छा है कि हम लोग ये सब ना करें, है ना, अच्छी हेल्दी स्किन रहे, हेल्दी बाल रहे। बाल वाल झड़ने लगते हैं, कितने यू नो ख़राब केमिकल्स होते हैं, पाउडर वाले कलर्स होते हैं उनके लिए। तो आई थिंक ऑर्गेनिक कलर्स आर द बेस्ट एंड सेफेस्ट, सो यूज़ देम। हैप्पी होली।